हाय गाइस, सबका ऑटो लिंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज क्रेजी हम में दो तूफान आने वाला है दोस्तों। क्यों मालूम है? क्योंकि दमन जो है एक मूवी आई थी उड़िया की, अब जो है वो बहुत बड़े जो है एकदम डॉक्टर के रोल किए थे बाबू साहब मोहंती जो है, अब उनकी जो है एक एक्शन मूवी आ रही है मल्यागिरी दोस्तों। उसका टीजर उसका एक प्रोमो आ चुका है जो कि उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। टीजर समझो प्रोमो समझो, हमारे एक्सपर्ट आ चुके हैं क्रेजी हम में। स्वागत है सूर्या सर। हाँ शुभ सर, कैसे हैं आप? और सर बाबू साहब मोहंती ने तो तड़का मचा दिया भाई जी। मैंने उनसे मुलाकात की थी दमन। अच्छा, के जब वो आए थे। हाँ, मैंने बकायदा जब फिल्म देखी थी। हाँ, मेरा दिल खुश हो गया था। बहुत अच्छा अच्छा, आप पूरा बाकी मालूम है, इंटरव्यू भी लिया था। हाँ इंटरव्यू, हाँ हाँ, एकदम जो है दिल के एकदम ये है, और एकदम आए थे सबसे मिले थे, अच्छा लगा था मुझे भी। तो अभी जो है उनकी एक एक्शन मूवी आ रही है मल्यागिरी, और अभी अभी हम लोग ने जो उसका एक मिनट का जो देखा है ग्लिम्स, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए ज़्यादा कुछ सीन दिखाया नहीं गया है, सिर्फ किसी गुंडे को मारते हैं, उसके बाद बाहर उनका लुक आता है और जो उनका जो एंट्री करते हैं अच्छा वो देखना, और म्यूजिक देखने लायक है। एंट्री जो है बहुत ही स्लो मोशन में है और म्यूजिक बहुत ताबड़तोड़ बजता है स्लो मोशन में धमाकेदार, और ऐसा लगता है कि ये ग्लिम्स को थिएटर में देखूंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ देखिए, हम सिद्धार्थ का जो रोल प्ले किया था उन्होंने डॉक्टर का, ठीक अच्छा, है हाँ, हाँ। उनका नाम कैरेक्टर नाम सिद्धार्थ था जितना हाँ, 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 हाँ। तो वो करेक्टर से इस करेक्टर में जमीन आसमान का जमीन आसमान पर एकदम शांत लग रहे थे, डॉक्टर अपना काम करते हैं, इसमें तो भाई अपना किसी भी आवाज निकल रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये जो दोनों भाषा में अगर एक साथ आएगी तो कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है, और ये आ भी रही दोनों भाषा में। ये पहले सुपरस्टार है उड़िया के, जिनकी पहली फिल्म थी जो उड़िया पहली फिल्म थी जो हिंदी में आई हाउसफुल रही है, ये आपको भूलना नहीं है, और महीने भर चली है। अच्छा, ये जो फिल्म है ये भी आ रही है और हिंदी भाषा में रिलीज हो रही है, इसका हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उड़िया एक छोटी फिल्म इंडस्ट्री है, और हमें सभी जो इनके सुपरस्टार हैं इनके इनको हमें खुद सपोर्ट करना है इनकी फिल्मों को, और इन्हें भी एक बड़ा सुपरस्टार बनाए जैसे साउथ की सुपरस्टार है, बाकी तमिल तेलुगु वैसे मलयालम अच्छे एक्टर है, अच्छी स्टोरी अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं, ये मुझे यकीन है। और जब अच्छी चीज़ कोई लेके आया तो भाई हम सबको सपोर्ट करना ही चाहिए। सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इसका जो क्लिप देखा आपको कितना अच्छा लगा, और इसको आप रेटिंग कितना देंगे? सर मैं कहूँगा क्लिप देखकर वाकई में अच्छा लगा, नो डाउट। और बाबूशान मोहंती एक बहुत ही हम्बल एक्टर है, मेहनत दिखती है, जेन्युइन इंसान है, दिखता है, हंसते नहीं मजाक नहीं करते, काम से काम रखते, काम से काम, बड़ा सीरियस है अपने क्राफ्ट को लेकर अपने आर्ट को लेकर, उसका ये फिल्म आ रही है तो इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ। मल्यागिरी नाम बहुत अच्छा है, जबान पर छाया हुआ, हाल फिलहाल में बर्थडे था बाबूशान मोहंती का, तो आपको फिर से हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, ऑटो वाली अंकल की टीम की तरफ से भी। और यही कहूँगा कि टीजर ये जो ग्लिम्स है मुझे ये 4 स्टार के काबिल लगा है, और मैं बस इंतजार कर रहा हूँ टीजर का, ट्रेलर का, जब हिंदी में आएगा तो धमाका होगा। और उम्मीद हम लोग यही करें, कोशिश भी यही करेंगे इसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखो, इसे हिंदी में बकायदा रिलीज मिले। हाँ, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो भी है उड़िया के जो देखने वाले हैं, जो बंदे लोग जो फैमिली हैं, मैं यही चाहता हूँ कि बॉलीवुड क्रेजी और ऑटो वाले अंकल को हमेशा आपके चैनल पे आप लोग बनाए रखें और देखते रह बैठे, और हमें पूरा सपोर्ट करें कि हम जो है उड़िया मूवी जो आ रही है मल्यागिरी उसको पूरा सपोर्ट कर सके, क्योंकि बाबू से मोहंती को अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है, और चाहते हैं कि जैसे दमन को आप लोगों ने सपोर्ट किया वैसे ही आगे आइए, और जो है बाबू साहब मोहंती की जो मूवी आ रही है एक्शन मूवी मल्यागिरी दशहरे में, उसको हम लोग मिलकर फुल सपोर्ट करते हैं, और इसे जो है पहली बार जो है उड़िया की एक ज़बरदस्त खतरनाक मूवी मल्यागिरी बाबू साहब मोहंती को ब्लॉक बूस्टर करके बताएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि बॉलीवुड क्रेजी और आटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।